और कोई कलर यूज होगा इसमें? नहीं, यही कलर होंगे, ऑरेंज वगैरह नहीं आएगा? हाँ ठीक, पर इतना तक तो करना मेरा। हाँ, और ये भैया हर साल हमारी सोसाइटी के नीचे जो लोबी है उसमें रंगोली बनाने के लिए इनको बुलाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी रंगोली बनाते हैं। और इस बार हमारे फ्लोर पे भी इनसे सभी जो मेरे नेबर है वो रंगोली बनवा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी अपने गेट के आगे रंगोली बनवा लेती हूँ। और रंगोली की साइज़ के हिसाब से ये चार्ज करते हैं, अगर आप ज़्यादा बड़ी रंगोली बनवाओगे तो उस हिसाब से ये पैसे चार्ज करेंगे, और छोटी बनवाएंगे तो उस हिसाब से ये चार्ज करेंगे। और सभी के गेट के आगे रंगोली बना दी है, और मुझे तो ये मोर पंख वाली बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और अभी रात के 12:30 बजे ये बना के फ्री हुए हैं भैया, और अभी नीचे वाले फ्लोर पे गए हैं रंगोली बनाने के लिए। मैंने मिठाई में सिर्फ गुलाब जामुन बनाए हैं, बाकी ज़्यादा कुछ भी मैंने इस बार नहीं बनाया है। और बाकी सारी जो मिठाइयाँ हैं, कल गाड़ी लेके आए थे ना, तो कल ही हम बहुत सारी मिठाई लेके आ गए थे, तो वो भी रखी हुई है, और कल दीपावली है तो थोड़ी बहुत और लेके आएंगे। हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, ढेर सारी मिठाइयां एंजॉय करिए, फटाके फोड़िए और सेफ भी रहिएगा। और अभी टाइम हो गया है सुबह के 9:30, सब रेडी हो गए हैं और अब करेंगे चाय नाश्ता। उसके बाद आज पूरे दिन ही कुछ न कुछ काम रहेगा घर के अंदर, थोड़ी बहुत तैयारियाँ, डेकोरेशन, यही सब रहेगा। और मुझे इतना सर्दी जुकाम हो रखा है कि मैं जब अभी बोल रही हूँ तब मेरे आँखों में से आंसू ही निकलते जा रहे हैं, जुखाम की वजह से हो रहा है ये सब। और आज मैंने दही बड़े बनाए हैं, तो ये भी मैंने चटनी वगैरह सब डाल के रेडी कर दिए हैं। और आज लंच में मैंने दही बड़े बनाए हैं, ये खाएंगे। खाना नहीं बनाया है मैंने, खाना शाम को ही मैं बनाऊंगी पूरा खाना। अगर अभी बना देती तो कोई दही बड़े नहीं खाता, और दही बड़े खाने के बाद फिर कोई खाना नहीं खाता है, क्योंकि दही बड़े में ही पेट फुल हो जाता है। और इसीलिए फिर मैंने अभी लंच नहीं बनाया, क्योंकि सुबह से मिठाइयाँ, नाश्ता वगैरह सब चल रहा है, तो अभी दही बड़े खा लेते हैं, उसके बाद फिर रात को डिनर ही बनाएंगे। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30, थोड़ी बहुत तैयारियाँ अभी से शुरू कर दी है मैंने, माता जी का पाटा वगैरह लगाना, रंगोली उनके आगे थोड़ी सी फूलों की बना रही हूँ मैं, ज़्यादा तो कुछ आता नहीं है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर से देखकर बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अच्छी बन गई थी। और बस अभी यहाँ पर मैं दिए रेडी कर रही हूँ, और ऋषु के पापा बोल रहे हैं कि ये काम तो मैं ही कर लूँगा, तू कोई और दूसरा काम कर ले। तो बस ये काम करने के बाद फिर मैं खाना बनाने का काम करूँगी, खाना बनाने के बाद फिर मैं रेडी होऊँगी, क्योंकि रेडी होने के बाद, तैयार होने के बाद फिर मेरे से किचन में काम नहीं होता है। और पूजा की तैयारी सारी हो गई है, बस अभी दरवाजे के बाहर स्वास्तिक बनाना है, और ये मैं लेके आई थी ये सारी चीज़ें, शुभ लाभ ये सब लगाने हैं। तो सोच रही हूँ ये लगाऊं या मैं जो लाई वो लगाऊं, मुझे ज़्यादा सुंदर ये लग रहे हैं तो यही लगा देती हूँ, या फिर देखती हूँ। और ये वाले शुभ लाभ जो हैं बड़े वाले, ये मुझे गिफ्ट में मिले थे तो मैंने यही लगा दिए हैं, ये ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, और ये पुराने वाले मैं निकाल रही हूँ। और आज डिनर में मैंने बनाए हैं छोले, पूड़ी और श्रीखंड। तनु का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था श्रीखंड पूड़ी खाने का, तो फिर मैंने खीर नहीं बनाई, श्रीखंड ही बना लिया, बस यही खाना बनाया। खीर इसलिए नहीं बनाई कि फिर बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो जाता। हैप्पी दिवाली एवरीवन। चलो पूजा कर लेते हैं, और बस अभी दिए लगाने हैं बाहर, दिए लगा लेते हैं, उसके बाद फिर आरती पूजा करेंगे। दिए लगाने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी बहुत फोटोज वगैरह क्लिक करवाई। बड़ा आज चले।
पूजा आरती सब हो गई है और अभी नीचे जा रहे हैं गाड़ी की पूजा करने के लिए, फिर वापस ऊपर आएंगे, खाना खाएंगे, फिर वापस नीचे जाएंगे फटाके फोड़ने के लिए। पूजा वगैरह सब हो गई है और मैं सभी को बोल रही हूँ कि डिनर कर लो, उसके बाद नीचे चलते हैं फटाके जलाने के लिए। तो सब मना कर रहे हैं, अभी किसी को भूख नहीं है क्योंकि अभी टाइम भी 8:30 ही हुई है, तो 8:30 बजे तक तो कोई खाना नहीं खाएंगे ये। और अभी हम लोग नीचे चले जाएंगे ना, तो फिर आने में हम लोगों को 12 बज जाएगी क्योंकि सारे फ्रेंड्स वगैरह सब मिल जाएंगे तो बातें करने बैठ जाएंगे हम लोग, तो फिर घर आते आते हम लोगों को 12 बज जाएगी। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पहले खाना खा लो, आज पूरा दिन हो गया आंखें ही पहुंचने में रह गई, मैं इतना मेरी आंखों में से पानी निकल रहा है। सब मुझे बोल रहे हैं कि तू रो क्यों रही है, मैंने कहा मैं रो नहीं रही हूँ, मेरी आंखों में से पानी निकलता जा रहा है, पता नहीं क्यों। नाक तो बह ही रही थी लेकिन आंखें भी बह रही है अब। और तनु फटाके से बहुत ज़्यादा डरती है, वो कभी भी नहीं फटाके फोड़ती है, बस उसके हाथ में हम लोग फुलझड़ी जला के दे देते हैं तो वो फुलझड़ी जरूर जला लेती है थोड़ी बहुत। तो उसके पापा उसको बोल रहे हैं कि तू इस तरीके से अनार जला, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, तो उसने इतने सालों में ये पहली बार अनार जलाया है। लो। मजा ए खतरों के खिलाड़ी बुझ गई। खत्म हो गई, लेट्स गो। नहीं मुझे नहीं वीडियो ले रहे हो, स्लो मोशन नहीं नहीं डर रहे मैं। और अभी हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, पूरी सोसाइटी का राउंड लगा रहे हैं और हर अलग अलग विंग में जाके देख रहे हैं, हर अलग अलग लॉबी में अलग अलग तरीके से डेकोरेशन किया हुआ है, तो सबके यहाँ जा जा के हम लोग देख रहे हैं किसका क्या डेकोरेशन है, कैसी रंगोली बनाई हुई है। तो हर जगह बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया रंगोली बनाई हुई है। और जब भी मैं ये वाला ड्रेस पहनती हूँ, चाहे करवा चौथ पे पहनती हूँ या दिवाली पे पहनती हूँ, तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब मुझे मतलब मजाक करते हैं, मेरे से बिंदनी बिंदनी बोलना शुरू हो जाते हैं सब। और इतना अच्छा लग रहा है ना सोसाइटी के अंदर, गार्डन में चारों तरफ बस लाइटिंग करी हुई है, रोशनी ही रोशनी है। और अभी आए हम लोग घर और टाइम हो गया रात के 12:45 और खाना भी नहीं खाया था हम लोगों ने, तो पहले खाना खाएंगे, बहुत तेज भूख लग रही है, उसके बाद फिर कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। और मेरे तो इतना आंखों में से पानी निकल रहा है ना, एक तो पटाखों के धुएं की वजह से और भी मतलब आंखें इतनी लाल हो गई मेरी। और अब इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करेंगे, और बहुत अच्छे से हमने दिवाली सेलिब्रेट करी है हमारे फ्रेंड के साथ, आप लोगों के साथ, और आई होप आप सभी की भी दिवाली बहुत अच्छे से रही होगी, बहुत अच्छे से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगी, मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली वंस अगेन।